चलिए राजू श्रीवास्तव का आपको वो इंटरव्यू दिखाते हैं जिसमें उन्होंने प्राइम टीवी के साथ कुछ खास पल और कुछ खास बातें की। दोस्तों मैं कानपुर का हूँ, आप में से ज़्यादा लोग जानते हैं, वहीं बॉर्न ब्रॉटअप हुआ। हमारे यहाँ कोई इस फील्ड में नहीं था, कोई फिल्मों में नहीं था, कॉमेडी में कोई नहीं था जी। सिंपल एक कायस्थ परिवार में हमने जन्म लिया जी। और पिताजी ज़रूर गवर्नमेंट जॉब था उनका, कचहरी में नौकरी करते थे, लेकिन वो कवि भी थे, मतलब कविताएं भी करते थे जी। लेकिन कविताओं को उन्होंने पूरी तरह से प्रोफेशन नहीं बनाया, बिकॉज ये गवर्नमेंट जॉब ज़्यादा लोग उस ज़माने में सिक्योर समझते थे, सेफ समझते थे जी। तो इसलिए बहुत दूर दूर नहीं जा पाते थे, लेकिन सैटरडे संडे वो कवि सम्मेलन में जाते थे जी। तो बहुत बार जब वो घर पे नहीं होते थे तो उनका झोला निकाल के उनकी डायरी में से वो हम कुछ कविताएं पढ़ लेते थे, याद करके अपने दोस्तों को सुनाते थे जी। इस तरह की शुरुआत हुई। फिर बचपन में मुझे ये था शौक कि अपने टीचर्स गुरुजनों की नकल करता था कि कैसे हमारे हिंदी के सर हमें कैसे पढ़ाते हैं जी। कैसे हमें डांटते हैं, मैथ वाले सर का बिहेव कैसा होता है, तो मैं क्लास में सबको नकल करके सुनाता था। तो उसमें कुछ गुरुजन खुश होते थे, कुछ एक दो ने इसको इंसल्ट समझा कि ये तो भाई अपने गुरु का मजाक उड़ाता है जी। लेकिन जब प्रिंसिपल साहब ने देखा तो वो हंसे, उन्होंने उनको समझाया कि ये मजाक नहीं उड़ा रहा है, ये एक तरह से कला है जो इसके अंदर डेवलप हो रही है जी। और इस तरह का और बच्चे क्यों नहीं कर पा रहे जी। तो इस तरह से मेरे अंदर वो जम्स आ चुके थे मेरी बॉडी में, किसी की नकल करना, हंसाना मुझे अच्छा लगने लगा था। और उस ज़माने में ये नहीं पता था कि ये कोई प्रोफेशन होता है, ये कोई काम हो जाएगा, इसी में नाम हो जाएगा और इसमें पैसे भी मिलेंगे जी। तो पहले तो जहाँ करते थे डांट खाते थे जी। कि पढ़ाई लिखाई नहीं करते, कायस घर के बच्चे यहाँ वहाँ चुटकुले सुनाते रहते, इससे क्या होगा जी। क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ 40 साल पुरानी जी। तो तब ये कला स्टैंड अप कॉमेडी अपने यहाँ डेवलप नहीं हुई थी जी। जी। अपने यहाँ फिल्म कॉमेडी थी जी। फिल्मों में कॉमेडियन थे बड़े बड़े जी। और लेकिन स्टैंड अप कॉमेडी जो जिसको स्टेज पे आके एक बंदा परफॉर्म करता है जी। अकेला जी। अकेला खड़ा होता है और हजारों लोग सामने होते हैं, ये कला अपने यहाँ नहीं थी जी। अपने देश में लोग सिंगर्स को जानते थे, गजल गाने वालों को जानते थे जी। फिल्म के कॉमेडियन को जानते थे जी। हीरो हीरोइन को जानते थे जी। लेकिन स्टैंड अप कॉमेडियन जैसी कोई चीज़ नहीं थी जी। मोहल्ले में हर शहर के मोहल्ले में एक म्यूजिक पार्टी होती थी, उसी में एक अनाउंसर होता था, वो भी चीज में चुटकुले उटकुले सुना देता था जी। या हीरो लोगों की आवाज़ निकालता था उस टाइम पे जी। कभी दिलीप कुमार की नकल कर दी, कभी देवानंद की, तो उसको फिलर्स समझा जाता था जी। वो किसी सिंगर को रेस्ट देने के लिए रखा जाता था जी। तो ये आर्ट थी नहीं, तो शुरू में बहुत डांट वांट पड़ती थी, समझ में नहीं आता था क्या है। लोग यही कहते थे भैया रेलवे की तैयारी करो, इंजीनियर बनो, एयरफोर्स में जाओ, सरकारी नौकरी करो जी। कोई भी किसी फील्ड में जब कोई नई लाइन चुनता है जी। कोई नए प्रोफेशन में जाता है तो जाहिर उसको लोग समझ नहीं पाते और विद्रोह होता ही होता है। तो इस तरह से था। फिर बाद में मेरा जो मेन पागलपन मेरे अंदर आया वो अमिताभ बच्चन की मैंने मूवी देखी दीवार जी। और जंजीर जी। तो फिर एकदम अमिताभ को देख के एकदम पर्दे पे देखा जी। और एकदम पागल हो गया कि कैसे यार डायलॉग बोलते हैं, कैसे फाइट करते हैं जी। तो उनकी नकल मैं अपने आप करने लगा। दिस इज कॉल्ड गॉड गिफ्ट, इसको कोई सिखाता नहीं जी। ये चीज सिखाई नहीं जा सकती, इसका कोई ट्रेनिंग स्कूल नहीं होता था जी। ये स्वतः ही ये आर्ट आती है। गाना जरूर लोग सीखते हैं, डांस भी सीखते हैं जी। इसके टीचर होते हैं, गुरु होते हैं जी। लेकिन ये विधा कि आप तमाम हीरो की आवाज़ निकाल रहे हो, तमाम नेताओं की मिमिक्री कर रहे हो जी। इसका कोई इंस्टीट्यूट या ट्रेनिंग सेंटर नहीं होता है, तो उस ज़माने में तो बिल्कुल नहीं था जी।
तो इस तरह से घर वाले भी नाराज होते थे कि रात रात गायब रहता, रात मतलब लेट नाइट हम घर आते थे। तो उस समय जो शो होते थे, इवेंट होते थे शहरों में, कानपुर में, लखनऊ में या किसी भी शहर में, पूजा के टाइम पे या किसी त्यौहार के समय म्यूज़िक पार्टी बुलाई जाती थी, उसमें हम लोग जाते थे प्रोग्राम करने, तो लेट घर आते थे जी। तो डांट पड़ती थी, ये कौन सा काम करते हो जिसमें रात को 2 बजे घर आते हो जी। तो इस तरह से विरोध होता रहा, लेकिन मम्मी की तरफ से विरोध था क्योंकि उनको पता नहीं था इस दुनिया के बारे में, इस फील्ड के बारे में जी। पापा की तरफ से अंडर कंट्रोल थोड़ा सा सपोर्ट था जी। वो कहीं ना कहीं, लेकिन वो खुल के नहीं कह पाते थे। मेरे पापा मेरी मम्मी से डरते थे जी। तो मम्मी की चलती थी घर में, तो इसलिए इस तरह से शुरुआत हुई आपके साथ जी। कोई एक बच्चा होता है हर स्कूल क्लास में जो जिसका पढ़ाई में थोड़ा सा कम मन लगता है जी, और फिल्में देखता है, वो गाना सुनाता है जी, तो अब भविष्य में सिंगर बन जाएगा उसको तो नहीं पता जी। क्लास में टेबल बजा बजा के जोर जोर से गा रहा है जी, जी। ठीक है जी। तो गा रहा है वो, सब बच्चों को अच्छा लगा, ताली बजा रहे जी। फिर उसी बच्चे का नाम टीचर ने सुना जी, और उसी बच्चे का नाम 26 जनवरी के कार्यक्रम में दे दिया जी, 15 अगस्त के फंक्शन में दे दिया, बोले यार ये लड़का टेबल बजा के अच्छा गाता है जी, तो इसको चांस देता है। वो उस दिन झंडा रोहण के बाद गा दिया जी। लाइक मैंने इसी तरह से झंडा रोहण हुआ जी, और उसके बाद मैंने टीचर लोगों की नकल कर दी जी, तो सब हंसे, तालियां वाले मिली। उस दिन मुझे 4 लड्डू ज्यादा दिए गए जी, लड्डू बढ़ते थे उस समय जी। और मुझे नहीं पता था उस टाइम पे कि स्टेज पे आके जब हंसाओगे पब्लिक के बीच में तो इसमें पैसे मिलेंगे जी, या इसकी फीस होती है जी। तो मुझे याद है कानपुर में कहीं किसी कार्यक्रम में हम गए थे जी, किसी म्यूजिक टीम के साथ, तो वहाँ कार्यक्रम बाद 50 रुपये आयोजक ने मुझे दिए जी, मेरी जेब में डाल दिए जी। तो मैं समझा नहीं, मैं समझा उसने रखने के लिए दिया जी। तो अगले दिन मैं साइकिल लेके उसको वापस करने गया जी, कि आपने शायद मुझे रखने के लिए दिए थे तो मैंने, आप ये ले लीजिए जी। रखने के लिए इसलिए क्योंकि रास्ता बीच में बड़ा जंगल का पड़ता था जी, तो हमने सोचा, इसने सोचा होगा कि पैसे एक जगह ना रखें जी, कई लोगों में बांट दें जी, तो लूटने का डर कम रहेगा जी, जी। तो जब मैंने वापस किए तो कहने लगा कि नहीं नहीं ये तो तुम्हारे जी। हमने क्यों, कहने लगा कि नहीं तुमने जो ये सुनाया है और तालियां मिली हैं ये तुम्हारी फीस है जी। ओ, इसमें तो पैसे भी मिलते हैं जी। तो उस दिन वो मेरी पहली फीस थी और पता चला इस तरह से जी। तो तालियां मिलनी शुरू हो गई, कोई अपने बर्थडे में लेके जा रहा है यार हमारे यहाँ, चलो सब मौसा मौसी आए हैं, जीजा जी वगैरह आए हैं, तो वहाँ सुनाना जी। वहाँ मैं जाके सुना रहा हूँ चुटकुले जी, मेरे अंगने लगा के रंग बरसे लगा के डांस कर रहा हूँ जी। तो कोई ना कोई कुछ जेब में गिफ्ट डाल देता था, कुछ कर देता, मैं बड़ा खुश कि यार ये लोग बुलाते भी हैं और केक वेक भी खाने को मिलता है, तालियां भी बजती हैं, और हैरानी के बाद पैसे भी दे देते हैं जी। क्योंकि हम सोचते थे कि ये पैसे शायद ये लेंगे हमसे जी, हम सोचते जिसने 50 रुपये दिए थे, हमने सोचा ये कहेगा तो हमने देखो तुमको बुलाया, तुमको मंच पे मौका दिया, तुमको माइक भी दिया और तुमने परफॉर्म भी किया जी, तो तुम इतने पैसे दो जी। लेकिन बाद में पता चला कि नहीं, कलाकार नहीं देगा, वो देगा जी। तो इस तरह से शुरुआत हुई। फिर जब तालियां मिलनी शुरू हो जाती हैं तो कोई भी आर्टिस्ट किसी फील्ड में हो, चाहे सिंगर हो जी, चाहे कॉमेडियन हो, मिमिक्री आर्टिस्ट हो, तो उसको लगता है और कहीं जाएं कार्यक्रम करने, तो इस तरह से लोग मुझे फिर बुलाने लगे, ले जाने लगे। एक और मेरे अंदर जम्स आ गए थे जी, मैं क्रिकेट की कमेंट्री सुनाता था जी, तो मुझे कमेंट्री करने के लिए लोग ले जाते थे जी। जो मैच होते थे ये बड़े वाले टेस्ट मैच और वनडे मैच नहीं, जो मोहल्ले में मैच होते थे मैदान जी, में जी, तो वहाँ स्पीकर लगा के, बड़े वाले स्पीकर आते थे घोंगा लोहे वाले जी, तो वो वहाँ वो लगे होते थे, वहाँ कुर्सी पे हमको माइक लेके बिठा देते थे, फिर हम
कमेंट्री करते थे और मुझे याद है हम कमेंट्री सीधे सीधे नहीं करते थे, हम कमेंट्री बिगाड़ के करते थे। लाइक जो प्लेयर खेल रहा है उसको तो मैं जानता ही था क्योंकि मेरा दोस्त है जी, मेरे साथ पढ़ रहा है, तो उसकी जो कमी है जी, वो मैं कमेंट्री में बता देता था माइक पे जी। हाँ, विनोद की अगली गेंद और विनोद बॉलिंग के लिए तैयार हो रहे हैं और पिछले साल भी फेल हो गए थे कक्षा 8 में और इस बार इनके घर वालों ने कहा है कि अगर नंबर कम आए तो पढ़ाई छुड़ा दी जाएगी, फिर दुकान पे बैठा जाएगा, इनका शायद आखिरी साल है और इसके बाद ही हो जाएगा। अगली गेंद, ये गेंद बहुत अच्छी गेंद से ड्राइव किया, बहुत अच्छा ड्राइव किया, विनोद उसके पीछे भाग रहे, दो बार स्कूल से भी भाग चुके हैं, दो बार निकाले जा चुके हैं और अभी कल ही इनको घर पे चप्पलों से इनकी मम्मी ने मारा था क्योंकि ये स्कूल गोल करके फिल्म देखने गए थे, वहाँ पकड़े गए थे सिनेमा हॉल में, और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए, एक बार फिर से फर्स्ट स्लिप गली एक्स्ट्रा कवर मिड ऑन मिड ऑफ। तो वो लड़के जो है जी, वो जो खेल रहा है बैट्समैन जी, जो बॉलिंग कर रहा है, वो उसको ये कमेंट्री सुनाई पड़ती थी जी मैदान में जी, तो वो कई बार शॉट मारते मारते वो हंस दिया जी, यूं मारने चला पैसे बोला जी, अरे यार ऐसा करके जी, तो लोगों को बहुत फनी लगने लगा, लोग बुलाने लगे जी, तो लेकिन देते 50 रुपए ही थे जी, जी। तो दैट वाज द स्टार्ट जी, और तो कोई प्लान नहीं करता कि हम ये करेंगे जी, ठीक है, खासतौर से आर्टिस्ट इस फील्ड में वो एक्सीडेंटल होता चला जाता है जी, तो एक जगह आप कार्यक्रम करती हैं, वहाँ किसी को मजा आ गया देखा जी, वहाँ दूसरे आयोजक ने इवेंट वाले ने एड्रेस लिया जी, नंबर लिया, कहाँ रहते हो जी, उसने उसको बता दिया, उसने उसको बता दिया, ऐसे करते 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 एक दिन पता चला कि आप बहुत शो हो रहे हैं बहुत, और पहले आप साइकिल से जाते थे फिर स्कूटर से जा रहे हैं, तो उस जमाने में जो कलाकार स्कूटर से आता था जी, उसको बहुत स्टार मानते थे जी। मम्मी कहती थी क्या है पढ़ाई लिखाई करो जी, ये इसमें क्या रखा है जी, जी। इंजीनियर बनो जी, रेलवे का फॉर्म भरो जी, हाँ तो अभी मम्मी विरोध करती थी जी, जी। पापा की दबी जमान में जी, सपोर्ट रहता था जी, लेकिन पापा की नहीं चलती थी जी, जी। आज आज उस समय जो कोई अगर सिंगर की शुरुआत करता था तो सिंगर बड़े बड़े थे आइडियल जी, वो घर वालों को बता सकता था कि देखो ये सिंगर है जी, ये लाखों रुपए लेते हैं, हम इनकी तरह कर रहे हैं, हम किसको बताएं जी, क्योंकि ये आर्ट नहीं थी जी, उस टाइम पे जी, इस आर्ट में कोई स्टार नहीं था जी, कोई सिंगर की तैयारी करेगा भजन की तैयारी करेगा तो कहेगा नरेंद्र चंचल जी हैं जी, लाखों रुपए लेते हैं, अनुज जलोटा हैं लाखों रुपए लेते हैं जी, हम गजल गा रहे हैं, गजल सीख रहे हैं, एक दिन हम पंकज उदास बनेंगे जी, लेकिन हमारी प्रोफेशन का आदमी वो किसका नाम बताता जी, आप बताइए किसका नाम बताता जी, उस टाइम पे जी, क्योंकि इसमें कोई था ही नहीं जी, ये प्रोफेशन ही नहीं था, हम तो ऐसे करते चले जा रहे थे, बाद में लोगों ने बताया कि आपने इसको शुरू ही आपने किया है जी, हाँ जी, इस फील्ड को जी, इस प्रोफेशन को जी, फिल्म कॉमेडियन थे जी, स्टैंड अप स्टेज कॉमेडियन जी, इसका ट्रेंड नहीं था जी, तो जाहिर है तो लोग जब जानते नहीं थे इस काम को तो सब ये कहते थे कि ये क्या है हंसी मजाक करते रहते हो, चुटकुले करते रहते हो, इससे क्या होगा जी, जीवन में कुछ तैयारी करो, कुछ IIT करो, ITI करो, तो बहुत बहुत आगे की बात बता रहा हूँ, बाद में हमारे एक दिन चाचा हमसे बोले कि ये जो तुम करते हो ये चुटकुले हंसी मजाक वगैरह इसमें कुछ मिलता है कि ऐसे ही, तो हमने कहा नहीं नहीं चाचा अब तो मिलता है, तो कहने लगे तो अब ये सब करके पैसा कमाओगे, मतलब चित भी मेरी पट भी मेरी जी। तो कोई भी आप नई चीज करोगे तो जी, विरोध होना स्वाभाविक है जी, इंडियन आइडल हो, बिग बॉस जी, लाफ्टर चैलेंज जी, डांस इंडिया डांस जी, झलक दिखला जा, ये सब जी, ये विडंबना है, इन सब में जो विनर हुए हैं जी उनको लोग नहीं जानते जी, जो विनर नहीं हो पाए जी बाद में वही ज्यादा चले जी, तो वो तो अच्छा हो गया कि मैं विनर नहीं हुआ जी, क्योंकि जितने लोग रनर अप रहे जी
बाद में उन्हीं के गाने बाद में दिखते रहे और बाद में वो लोग काफी उन्होंने सक्सेस की जी। तो ये तो एक अलग बात हो गई जी। बहुत सारी बातें हैं क्यों हुआ ऐसा। एक्चुअली नहीं होने से ये फायदा मुझे हुआ जी कि पूरे देश में एक सिंपैथी लहर मेरे साथ आई जी। भावनात्मक रूप से लोग मेरे साथ जुड़ गए। हम जहाँ भी जाते थे, दिल्ली, कलकत्ता, बेंगलोर, रायबरेली, अमेठी, झांसी, कहीं भी, तो वहाँ लोग ये कहते थे भैया वहाँ कुछ भी हुआ हो लेकिन हमारे विनर तो आप ही हो जी। आपने हम लोगों को बहुत हंसाया, हम तो आपको विनर ही मानते जी। तो मुझे लगता है अगर विनर हो जाते जी। तो ये सुनने को ना मिलता जी। तो भावनात्मक रूप से फायदा हुआ जी। दूसरा फिर हर चैनल की अपनी एक स्ट्रेटजी रहती है जी। ये करेंगे तो ये TRP बढ़ाएंगे जी। इसको ना करके इसको जिताएंगे तो ऑडियंस को झटका मिलेगा जी। लोग बातें करेंगे जी। लोग चौंक जाएंगे जी। कई बार चैनल को चौंकाना भी पड़ता है जी। अपनी ऑडियंस को जी। सीधा सीधा जो लोग सोच रहे हैं वही कर दें जी। तो न्यूज़ नहीं बनती जी। जी। न्यूज़ कई बार तब होती जब ऑडियंस को झटका लगता है जी। एक वो भी रीज़न था जी। तीसरा एक रीज़न और था जो मेरे पास सबूत तो नहीं है लेकिन लोग बताते हैं कि उस दिन 2000 करोड़ रुपए का जी सट्टा लगा हुआ था जी। कि ये जीतेगा कि ये जीतेगा जी। तो लोगों ने 2000 करोड़ लगा रखे थे जी। पूरी इंडिया से सट्टेबाजों ने जी। तो इसलिए ऐसा करना। अच्छा। स्टैंड अप कॉमेडी का कोई अलग से इंस्टीट्यूट नहीं है जी। एक्टिंग इंस्टीट्यूट तो है, एक्टिंग इंस्टीट्यूट तो यहाँ भी है लखनऊ में, भारतीय नाट्य अकेडमी है जी लखनऊ में, फिर दिल्ली में NSD है जी, मुंबई में बहुत सारे कलाकारों ने अपने घर पे एक्टिंग के स्कूल खोल रखे हैं जी। असरानी जी का अपना एक्टिंग इंस्टीट्यूट है, सुभाष घई का है, अनुपम खेर का है, तो उसमें सब कुछ सिखाया जाता है जी। मीन्स उसमें राइटिंग भी सिखाते हैं, म्यूजिक भी सिखाते हैं, अभिनय भी सिखाते हैं और सिनेमेटोग्राफी भी सिखाते हैं जी, टेक्निक भी सब सिखाई जाती है जी। तो प्रॉपर स्कूल है जी। स्पेशली कॉमेडी का कोई स्कूल नहीं होता जी। कॉमेडी को उसी के अंदर ले लिया गया है, एक्टिंग के अंदर जी, जहाँ एक्टिंग सिखाई जाती है तो उससे में कॉमेडी आ जाती है। उसके बाद ये जो विधा है स्टैंड अप कॉमेडी, ये एक तो ब्लड में होनी चाहिए जी, स्वाभाविक होती है, जिसको आप गॉड गिफ्ट जी कहते हैं। फिर उसको धीरे धीरे पॉलिश करते रहते हैं लोग जी, और बहुत सारे कॉमेडियन को सुनते हैं, उनको देखते हैं, सीखते हैं जी। तो ये करत की विद्या है, करते 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 आदमी पॉलिश होता है। बस दोस्तों हंसते रहें, हंसाते रहें हमेशा, और जो हंसे उसका घर बसे, जो हंसे उसका घर बसे, और जिसका घर बसे फिर पूछो कभी हंसे। देखिए जिसकी मस्ती जिंदा है समझो उसकी हस्ती जिंदा है, नहीं तो प्यारे वो आदमी जबरदस्ती जिंदा है। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम TV, सच साहस सरोकार।